हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ Redmi Note 9 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इन स्मार्टफोन्स की यानी कि Redmi Note 9 और Note 9 Pro की कुछ इमेजेस निकल कर आई है, जिसमें से आप देख सकते हैं आपको क्वाड कैमरा सेटअप एक स्क्वायर में दिख रहा है और साथ में आपको पंचुअल सेल्फी भी दिख रही। तो ये मुझे नहीं लगता है इतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर हाँ, मैं आपको Redmi Note 9 की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या चीज़ें आपको स्मार्टफोन में मिल सकती है। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, और आपको अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ तक मुझे लगता है इसमें आपको 6.39 इंचेस का यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलने वाला है। साथ में आपको सामने की तरफ एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल सकती है या फिर पंचोल भी मिल सकता है, और पीछे की तरफ आपको रेयर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। इसके अलावा पीछे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, और इस बार आपको यहाँ पर सेम कैमरा सेटअप मिलने वाला है जैसे आपको Redmi Note 8 में मिलता है, जिसमें से मेन सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का। साथ में आपको यहाँ पर दूसरा मिलेगा एक अल्ट्रा वाइड लेंस, तीसरा होगा एक डेप्थ सेंसर, और चौथा होगा एक मैक्रो लेंस। साथ में आपको ड्यूअल LED फ्लैश भी मिलने वाली है। इसके अलावा सामने की तरफ आते हैं तो वहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला चिपसेट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लीक्स आ रही है और जहाँ तक मुझे लगता है यही चिपसेट आपको मिलेगा इस स्मार्टफोन में। तो अगर ये स्मार्टफोन 10,000 के नीचे आता है इस चिपसेट के साथ में, तो काफ़ी कमाल की बात होने वाली है। और ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB वेरियंट में। इसके अलावा आपको इसमें डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का मिलने वाला है। यहाँ पर बैटरी इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की मिलने वाली है, जो आपको Redmi Note 8 में 4000 की मिलती है। तो यहाँ पर ये भी इसकी कुछ अपग्रेड चीज़ होने वाली है, काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको फास्ट चार्जिंग भी और तेज़ इस स्मार्टफोन में मिलेगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आएगा Android 10 पर, और इस स्मार्टफोन में आपको MIUI 11 मिलने वाला है। तो ये थे इसके स्पेसिफिकेशन, और साथ में प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग होगी 10,000 के नीचे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि Redmi की Note 8 और Note 7 Pro जो ये दो स्मार्टफोन्स थे आपको 10,000 के नीचे मिले, तो ये भी स्मार्टफोन आपको ज़रूर से 10,000 के नीचे मिलने वाला है। साथ में इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये आपको मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में ज़रूर से इंडिया में मिलने वाला है। तो काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर एक वीडियो लाइव है जिसमें मैंने बताया टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 rupees, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लेना, आपको काफ़ी मदद मिलेगी और वहाँ से आप स्मार्टफोन भी बाय कर पाएंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।